नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच की बात। मैं हूं नकमा। चुनाव आयोग ने दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होगा, इसकी तारीख 20 नवंबर को तय की गई, और झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा, और दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों का परिणाम एक साथ 23 नवंबर को आएगा। 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें से 47 सीटों पर 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे, और केदारनाथ सीट में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो दो लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, जिसमें वायनाड में 13 नवंबर को और नांदेड़ में 20 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। तो इन चुनावों का जो ऐलान किया गया है, पहले आपको सुनाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर क्या कहा है। फॉर महाराष्ट्र, दिस विल बी इन सिंगल फेज। The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th. And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24. And you will notice that date of poll is Wednesday. Jharkhand would be in two phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except one AC and one PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and one PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll. तो झारखंड में दो चरणों में चुनाव है, महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव है। हमारे साथ रौनक जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, और मनीष हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी झारखंड की चुनावों पर बात करने के लिए। रौनक, महाराष्ट्र की बात कर लें तो कुल 288 सीटें हैं, और उसमें से बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महायुति और महाविकास आघाड़ी को देखें तो इस वक्त किस तरह के दोनों के खेमे में क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, और चुनावों के बाद में दोनों के लिए क्या एट स्टेक है? जी देखिए नगमा, एक बात जरूर कही जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में भले ही महाविकास आघाड़ी को एज रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार ने यहाँ पर ऐलानों की झड़ी लगा दी, उसके बाद कहीं ना कहीं नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में भी आता हुआ दिखा है, शिंदे सरकार के पक्ष में भी घूमता हुआ दिखा है। ऐसे में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, उस वक्त तो मैं ये ज़रूर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मुकाबला जो है बहुत ही कांटे का मुकाबला जो है महाराष्ट्र में हर एक सीट पर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर मल्टी कॉर्नर फाइट जो देखने को मिल सकती है, भले ही दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई दिख रही हो, लेकिन कई सारे एस्पिरेंट उम्मीदवार हैं। अगर महाविकास आघाड़ी को, मान लीजिए कि अगर कांग्रेस को टिकट मिलती है, तो निश्चित तौर पर शिवसेना में कहीं ना कहीं बगावत देखने को मिल सकती है। ऐसी कई जगहों पर स्थिति देखने को मिल रही है, इसलिए मल्टी कॉर्नर फाइट की वजह से और जातीय समीकरण को देखते हुए बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर जीत पाएगा, ये एक पहली बात। दूसरी बात, अगर इस चुनाव की दो बड़ी बातें अगर कहे कि क्या एक्सपेक्टर रहने वाला है, तो पहला एक्सपेक्टर ये है कि जो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री ने शुरू की, जिसके लगभग 3 हफ्ते अब तक महिलाओं के खाते में जा चुके हैं,
ऐसे में एक बड़ा ये एक्स फैक्टर माना जा रहा है, और दूसरा जो एक्स फैक्टर है वो मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल, अगर वो चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, अगर ऐसा फैसला करते हैं, तो निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि उनके जो प्रमुख नेता है मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने दशहरे के मौके पर कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हम इस बात का ऐलान करेंगे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे, लेकिन उन पर भी उनके कार्यकर्ताओं का दबाव है। ऐसे में ये मुकाबला महाराष्ट्र का जो चुनावी सबर है वो बहुत ही दिलचस्प हो गया है, और निश्चित तौर पर जैसा चुनाव आयोग ने कहा कि 29 अक्टूबर ये चुनाव फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी, ऐसे में समय भी कम रह गया है। दिल्ली में कल कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जहां पर 48 नामों पर चर्चा होनी है, और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी 17 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहां पर भी चुनाव समिति की बैठक हो रही है, तो वहां पर भी बीजेपी के नामों पर लगभग 100 नामों पर मुहर लग जाएगी। जी और मनीष, जैसा कि रौनक बता रहे थे लाडली बहन योजना, यहाँ झारखंड में भी चुनाव से पहले भाजपा ने मैया सम्मान योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना की शुरुआत की, तो महिलाओं को लेकर योजना महाराष्ट्र में भी, यहाँ झारखंड में भी। ये झारखंड में जो गठबंधन है एक कांग्रेस अलायंस और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जो हैं, वो ये दोनों खेमे किस तरह से बटे हुए लग रहे हैं, क्या यहाँ पर भी ये अब बाइपोलर चुनाव दिख रहे हैं? निश्चित रूप से नगमा, जब से झारखंड राज्य बना है शायद ये पहला चुनाव है जहां पर दोनों गठबंधन जो है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, यानी कि जो एनडीए है, एनडीए भी इस बार उसने अपने आंसू और जेडीयू जैसे पुरानी सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने की ना केवल घोषणा की है बल्कि उनके साथ सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूला है उसे ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया है। अगर आपको याद हो तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने थोड़ी अति आत्मविश्वास में आंसू के साथ सीटों का तालमेल नहीं किया था, जिसके कारण उसे खामियाजा उठाना पड़ा था। और साथ ही साथ महागठबंधन भी जो है, महागठबंधन ने 2019 में जो उन्हें एकजुट होने का लाभ मिला, इस बार भी हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और सीपीआईएमएल को साथ लड़कर ही, साथ मिलाकर, उनके साथ सही तालमेल कर ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है, पहली बार नगमा झारखंड में दो चरणों में मतदान हो रहा है, जिसके कारण वहाँ के सभी राजनीतिक दल एक तरह से राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि उनके लिए मुश्किल यह है कि जो दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर है, इसी दौरान जो है कई सारे फेस्टिवल हैं, जैसे दीपावली, छठ जैसी पूजा, छठ काफ़ी बड़ा झारखंड में भी होता है, कई जिलों में ये सबसे बड़ा त्यौहार है, तो जिसका असर चुनाव प्रचार पर भी पड़ेगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, पूर्व के जो चार विधानसभा चुनाव हैं उनसे इस मायने में भिन्न है कि पहली बार ये तय करेगा कि झारखंड में सबसे बड़ा ट्राइबल का नेता कौन हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान हमने देखा कि वहाँ पर महागठबंधन जो है वो हेमंत सोरेन के चेहरे या उनके नाम के कारण जो 5 जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट थी उसको स्वीप किया था, सभी सीटें 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रही थी। और यह अभी से माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन चूंकि बड़ा चेहरा है और जेल से जिस प्रकार वो निकले हैं, और खासकर पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने एक के बाद एक स्कीम लॉन्च की, और खासकर जो मैया स्कीम है, जैसा रौनक भी बता रहे थे कि झारखंड के भी चुनाव में महाराष्ट्र की तरह जो एक्स फैक्टर वही यही है कि मैया स्कीम अगर हेमंत सोरेन के लिए काम करता है तो निश्चित रूप से उनके लिए सत्ता में वापस लौटना आसान होगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए सत्ता में एक बार फिर वापसी करना आसान होगा। आपने देखा है नगमा कि 1000 जो मैया स्कीम के दौरान पिछले 3 महीनों के दौरान दी गई, उसके जवाब में बीजेपी ने गोगो स्कीम किया, और कल 24 घंटे पहले झारखंड कैबिनेट ने फैसला लिया कि अगर हेमंत सोरेन वापस आते हैं तो दिसंबर महीने से ये 1000 की राशि 2500 रुपये कर दी जाएगी। तो इन ये जो मैया स्कीम है ये झारखंड के चुनावों का एक्स फैक्टर है और यही जो है सबसे निर्णायक भूमिका अदा करेगा। मनीष, आप जैसा कह रहे हैं कि ये एक्स फैक्टर होगा मैया स्कीम, लेकिन सवाल इस पे, ये जो गोगो दीदी स्कीम है, अगर आप बता सके कि ये क्या मतलब क्या है गोगो का? देखिए, गोगो वहाँ पर माताओं को गोगो कहा जाता है, जो आदिवासियों की जो भाषा होती है उसमें ये गोगो कहा जाता है। इसी के लिए मैया स्कीम का कार्ड जो है बीजेपी ने उसका जो काउंटर है वो गोगो स्कीम, जिसमें उन्होंने 2100 रुपये हर महीने देने का वादा किया है। हालांकि वो स्कीम थोड़ा सा अभी
वेग भी है, क्योंकि अभी जो मैया स्कीम चल रही है उसमें 18 साल से लेके 50 साल की महिलाओं को, और एक परिवार में अगर एक से अधिक महिला हैं तो उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल रहा है और एक एक 1000 रुपये दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन के नेता जो अपना उनको जो उम्मीद जो जगी हुई है, उनका ये कहना है कि इस स्कीम का 3 महीने की राशि सभी जो लाभान्वित है, करीब 91 लाख लोग, 51 लाख जो लोग हैं इसके लाभान्वित हैं, 51 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये 3 महीने गया है। और उनका कहना है कि जब चुनाव होगा, जब वोट डाले जाएंगे, तो 4वें महीने यानी कि छठ के समय में भी ये राशि उनके खाते में जाएगी और उनको उम्मीद है और उनकी पूरी जो आस टिकी हुई है वो इसी स्कीम के ऊपर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि जो गोगो स्कीम में बीजेपी ने 2100 देने का वादा किया था, तो क्या आने वाले दिनों में जब वो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो क्या वो 2500 से भी अधिक पैसा देने का वादा करते हैं या नहीं? जैसा आप कह रहे हैं 2100 का घोषणा हुआ, लेकिन अब जवाब में हो सकता है कि जो मैया स्कीम है उसमें भी पैसे बढ़ा दिया जाए, तो क्या अब गोगो स्कीम में भी पैसे और बढ़ाकर दिए जाएंगे? यानी कि एक्स फैक्टर महिलाएं हैं यहाँ पे भी और महाराष्ट्र में भी। धन्यवाद आपका रौनक और मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जुड़ गए हैं, साथ ही बैजनाथ मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैजनाथ जी, झारखंड की बात जैसा अभी मनीष बता रहे थे कि वहाँ पर ये पहले जो एक मैया स्कीम आई और उसके जवाब में गोगो स्कीम, गोगो दीदी स्कीम लेकर आई है बीजेपी, यही एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? पर होड़ लगी है कि कौन 1000 दे रहा है, कौन 2100 दे रहा है, अब ये बढ़ाकर 2500 किया जाएगा, पर इसका कितना फायदा आप मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस चुनाव में? अरे नर्मा जी नमस्कार आपको। नमस्कार। और एक गोगो शब्द आपने मनीष जी से पूछा, ये कुरुख भाषा का शब्द है और मात्र सूचक शब्द है, पुराणों की भाषा है यहाँ कुरुख, कुरुख भाषा का ये शब्द है गोगो और उसका मतलब है मात्र सूचक है माता, तो माता और दीदी ये दोनों को जोड़ करके उन्होंने यह योजना चलाई है। अच्छा, अब वोट दोनों में है जो ऐसा आप कह रहे हैं, अब देखना यह है कि विश्वसनीयता किसकी कितनी है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कई चुनावों में कि कुछ योजनाएं लागू की गई और कुछ योजनाओं की घोषणा की गई, फॉर्म भरवाए गए, यहाँ भाजपा भी फॉर्म भरवा रही है, लेकिन कुछ योजनाएं लागू हो गई, जेएमएम की जो योजनाएं हैं वो लागू हो गई, भाजपा की योजनाओं के लिए भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस पर भरोसा करे, यह सवाल विश्वसनीयता का है, पहला सवाल है। दूसरी बात, झारखंड का पूरा चुनाव जो है 28 सीटों पर निर्भर करेगा, 28 सीटों की पूरी लड़ाई है जो ट्राइबल सीट्स हैं विधानसभा की। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 28 में से 26 सीट हार गई थी, केवल 2 सीट उसको मिली थी, और इस बार पूरा झकझूमर जो होगा उन 28 सीटों के लिए होगा, उसमें जो लीड लेगा या कम से कम 28 सीटों की बात कर रहे हैं वो किस क्षेत्र की सीटें हैं? 14 सीट भी ले जाती है। बैजनाथ जी, जिन अब 28 सीटों की बात कर रहे हैं वो किन सीटों की, किन क्षेत्र की सीटें हैं, वहां पर अक्सर क्या दबदबा देखा गया है या क्या वहां पर मुद्दे रहे हैं? मैंने बताया कि पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में उन 28 सीटों में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, सिर्फ उसे 2 सीटें मिली, वो सीटें हैं संथाल की, वो सीटें हैं कोल्हान की, और रांची के अगल बगल की जो ट्राइबल सीटें हैं वो वही सीटें 28 सीटें हैं। जी जी हाँ, ठीक है। नॉर्थ छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में वो सीटें नहीं है, लेकिन सराउंडिंग जो है, रांची के सराउंडिंग जो सीटें हैं, कोल्हान की सीटें हैं, संथाल की सीटें हैं, वहाँ पर वो बिल्कुल थिकली पॉपुलेटेड ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी डेंट लगाती है, 5 सीट 7 सीट 8 सीट 10 सीट, तो वो दूसरी समस्या यहाँ होगी कि कांग्रेस जो 16-17 सीटें जीती थी। मैं लौटती हूँ आपके पास। आप जैसा कह रहे हैं कि इसमें इन सीटों में से पिछली बार बीजेपी बहुत ज्यादातर सीटें हारी थी, सिर्फ 2 मिली थी उसे, तो उससे अगर कुछ भी गेन होता है तो यहाँ पे फायदा ही होगा। ये बताएं आप अमिताभ जी के महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट ही देख रहे हैं कि एक अलायंस है महायुति का, एक दूसरी तरफ जो है वो महाविकास अघाड़ी है, और महायुति के लिए इस बार आपको क्या मुद्दे दिख रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे को लोकसभा में जो मिली सीटें, 7वीं सीटें, उससे उनकी कुछ लोकप्रियता भी बढ़ी है और ये महायुति के लिए एक एडवांटेज साबित हो सकता है?
देखिए, लार्जली बैटल तो महायुति और महाविकास अघाड़ी में ही है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड, जैसे हमने हरियाणा में भी देखा, अदर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अदर्स इंडिपेंडेंट्स लगभग 25% वोट शेयर और 25 से 30 सीटें यहाँ पे जीतते आए हैं। और क्योंकि हो सकता है क्योंकि अब हर सीट पर दोनों ही खेमे से तीन तीन दावेदार हैं, रेबल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो जो भी रेबल मैनेजमेंट करेगा अच्छा, उसको फायदा हो सकता है। हमने हरियाणा में भी इसका असर देखा। अब 2024 में हार के बाद महायुति ने काफी फैसले लिए यहाँ पर। एक तो लाड़की बहना योजना है, जो कि हर जगह अब काफी पॉपुलर हो रही है, उस टाइप की योजना। फिर हमने देखा कि ओबीसी क्रीमी लेयर का जो कैप था बढ़ा दिया गया, एससी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, और कल टोल वेवर दे दिया गया बॉम्बे में एंट्री का। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होने के बाद, क्योंकि आज तो वो ओरिजिनल शिवसेना है, कहीं ना कहीं उसकी उनकी एक इमेज, एक आम आदमी वाली इमेज है, क्योंकि वो एक ऑटो रिक्शा चालक से ऊपर बढ़कर के मुख्यमंत्री के लेवल तक पहुंचे हैं। और एक एंटी डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो खास करके यूथ को अपील करता है आज, उस सेगमेंट ऑफ शिवसेना वोटर को वो अपील करते हैं, क्योंकि 30% लगभग वोट शेयर पड़ा है शिवसेना के दोनों घटक दलों को लोकसभा में, जिसमें से 60% लगभग उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला है और 40% एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिला है। जबकि अजीत पवार का हमने देखा कि वहां पर 70% शरद पवार की पार्टी को मिला और सिर्फ 30% ही अजीत पवार की पार्टी को मिल पाया। तो उस मामले में एकनाथ शिंदे ज्यादा एस्टैब्लिश कर पाए हैं अपने आप को एज एन ऑल्टरनेटिव और एज एन ओरिजिनल पार्टी टू शिवसेना। तो यहाँ पर इस बार आप अर्बन इलाकों में अगर देखें, ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें मुद्दे किस तरह से, पर आपने लाडली योजना की बात की, उसका ज़्यादातर प्रभाव शायद रूरल एरियाज़ में ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जो शहरी इलाके हैं उसमें बीजेपी की अच्छी पकड़ हो, या सिर्फ या फिर जो अलग अलग विकास के मुद्दे रहे, चाहे वो कोस्टल रोड का मुद्दा हो, मुंबई मेट्रो हो, इस तरह की जो स्कीम्स हैं, और अर्बन एरियाज में बीजेपी की लोकप्रियता पहले ही या उसकी पकड़ जो है वो बेहतर है, अमिताभ जी? जी, तो अर्बन वोटर ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली बीजेपी को वोट करता आया है, और महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन बहुत हाई है। 45% तो 2011 सेंसस के हिसाब से है, यानी उससे भी बढ़ा ही होगा अर्बन पॉपुलेशन। तो जैसा आप कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफी फोकस है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काफी फोकस है भाजपा का। वहीं महाराष्ट्र 5-6 जोन्स में डिवाइडेड है, विदर्भ, नॉर्थ महाराष्ट्र, वेस्टर्न, मुंबई, थाने, कोंकण, मराठवाड़ा। इन सब रीजन्स में अलग अलग इश्यूज हैं। कहीं विदर्भ में एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है, तो मराठवाड़ा में मराठा एजिटेशन है। तो सारे जगह पे अलग अलग इश्यूज हैं। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि ये लाडकी बहना योजना के थ्रू महिला वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाए रूरल क्षेत्रों में, और उसका जो कोस्टल रोड, अतल सेतु प्रोजेक्ट्स और बाकी अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है, उससे जी, अर्बन वोटर जो है उसके पाले में ही रहे या पाले में आ जाए, ताकि बट वो जी नाराजगी को न्यूट्रलाइज कर सके। पर यहाँ पे ये अमिताभ जी, ये पोलराइज होते भी आप देख रहे हैं क्या इलेक्शंस? क्योंकि लोकसभा के समय में ये महायुति ने कई दावा किया था, हिंदुत्व भी एक मुद्दा बना था, और ये भी बात हुई थी, मुझे याद है कि पोलराइज हो गए हैं वोट, और एक समुदाय ने पूरा ऑर्गेनाइज होकर वोट किया, और वोट जिहाद और ये सब बातें सामने आई, तो ये आप पोलराइज होते देखते हैं। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इन चुनावों के ऐलान के फौरन पहले जो मदरसे हैं वहाँ के शिक्षकों की तनख्वाहें इतनी बढ़ा दी गई, दोगुनी से ज़्यादा, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये इसको आप अजीत पवार की पार्टी का जो खराब परफॉर्मेंस रहा है उससे जोड़ सकते हैं। एनसीपी का 1 out of every 4 वोटर मुस्लिम समुदाय से आता है, और क्योंकि एनसीपी अजीत पवार बीजेपी के साथ हो गई, उसकी वजह से लोकसभा में मुस्लिम वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि पोलराइज हुआ, एंटी बीजेपी वोट एमवीए के पास गया। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है इसमें अजित पवार जी का हाथ है। अजित पवार वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द सेकुलर फोर्स विद इन द एनडीए, क्योंकि उनको पता है कि जब तक मुस्लिम मतदाता, जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है, अगर वोट नहीं करता है, तो एनसीपी अजित पवार के लिए ज्यादा सीटें कन्वर्ट करना मुश्किल होंगी। हाँ, चुनाव पोलराइज होगा क्योंकि हिंदुत्व एक मुद्दा है, लेकिन हिंदुत्व में भी अब आप देख लीजिए, दो धड़े हैं, बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, और मुस्लिम समुदाय में भी तीन धड़े हैं। एक तरफ से जहां महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस है, वहीं पर
एनसीपी अजीत पवार एनडीए में है और एआईएमआईएम एसपी जैसी पार्टीज अदर्स में भी मुस्लिम समुदाय का वोट इकट्ठा कर कामयाब रहे। तो इसमें भी धड़े बटे हुए हैं और चुनाव अगर पोलराइज होता है तो क्या ये मुमकिन है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन बैजनाथ जी के पास जाना चाहूंगी झारखंड के मुद्दे को लेकर। झारखंड में जो अलायंसेस बनती हुई दिख रही है बैजनाथ जी, वो क्या कांग्रेस है उसमें, आरजेडी है, जेएमएम है, ये एक खेमा है, और वहाँ पे भी क्या एक तरह से ये बाइपोलर होता हुआ दिख रहा है कि दूसरी तरफ भी एक गठबंधन है बीजेपी का, उनके साथ कौन कौन जा सकते हैं, और इधर जो दूसरा खेमा है वहाँ पर क्या आप गठबंधन बनता हुआ देख रहे हैं? ये गठबंधन तो दोनों तरफ का बिल्कुल पक्का है, क्योंकि वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी में किसी प्रकार का कोई झगड़ा होने वाला नहीं है, कोई विवाद होने वाला नहीं है। कांग्रेस दो एक सीट अपना बढ़ा करके मांग रही थी, लेकिन अब उसकी मांग में वह तेजी, वह त्वरा, वह तल्खी नहीं है। तो वो समझ गई है अपनी स्थिति कि हमको इन्हीं के साथ चलना है, क्योंकि वोट वहाँ पर हेमंत सोरेन के पास है। और इधर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली गलतियों को सुधारते हुए, या यूं कहिए कि आजसू पिछली बार अपनी औकात से ज़्यादा सीटें मांग रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसको कम से कम देना चाहती, इसमें झगड़ा हुआ। और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वह यूपीए से लड़ रही थी, इस बार यूपीए और एनडीए की लड़ाई है। यह एक फर्क पिछले चुनाव से इस चुनाव में होगा कि यूपीए वर्सेज एनडीए होगा, पिछली बार यूपीए वर्सेज भाजपा, और आजसू जो है वो बीजेपी के साथ है, हो जाएगी। आजसू बीजेपी के साथ है और वो कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि उनको भी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लड़े थे तो उनको दो सीटें मिली थी मात्र। और इनके साथ अब चंपई सोरेन का होना क्या फर्क डालेगा? देखिए, चंपई सोरेन दरअसल कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन चूंकि होता क्या है ना कि बागी की बिल्ली भी मार ली जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये वाली स्थिति में है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन कभी जमाने में उनका रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में वो बिल्कुल फूके हुए कारतूस की तरह है चंपई सोरेन। अब उनको स्वयं भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है वहां पर। जी जी, पर मात्र ठीक है, तो उनके साथ कितने वोट होंगे या वो क्या ला सकते हैं? लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है, बैजनाथ जी के कई सारे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस बार यहाँ पर साथ में होंगे बीजेपी के। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, मैं लौटूंगी इस चर्चा पर, झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के मुद्दों की भी बात करेंगे और महाराष्ट्र की भी इस ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और 23 नवंबर को दोनों ही जगह पर नतीजे आ जाएंगे। दो चरण में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में और महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। झारखंड से जुड़े हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्रा। तो बैजनाथ जी, इस बार ऐसा लग रहा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन है, दो गठबंधनों के बीच में इलेक्शन है। अगर हम अब अलायंस की बात करें तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की जो अलायंस है उनके साथ में क्या लेफ्ट पार्टियां भी हैं, सीपीआई और सीपीआईएमएल, और कितना प्रभाव और किन क्षेत्रों में प्रभाव इनका है? देखिए, सीपीआईएमएल का प्रभाव है, उनके पास कद्दावर नेता भी हैं और बिहार से सटे हुए इलाके जो है वहाँ भी उनका प्रभाव है। इसे बिहार से जो सटा हुआ इलाका है कोडरमा और उसके बगल का सीट है गिरिडीह का, और अभी बंगाल से सटा हुआ जो इलाका है निकसा, धनबाद, वहाँ पर लेफ्ट का बहुत प्रभाव है। और अब जो एमसीसी वहाँ जो एक पार्टी होती मार्क्सवादी समन्वय समिति जिसको बोलते थे, उसका माले में मर्जर हो गया है, तो उनको भी सीटें दे रहे हैं ये यूपीए वाले, तो उनको भी दो तीन सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बड़ा एक अपना खाका बना रहे हैं वो, तो उनके पास चार कम से कम पार्टनर हो जाएंगे, इसमें जेएमएम होगा, कांग्रेस होगी, लेफ्ट होगा और आरजेडी होगा। अभी सीटें उनको कौन किसको कितना लड़ेगा वो अभी साफ तस्वीर साफ नहीं हुई, हो जाएगी, लेकिन एनडीए की तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है। वो तस्वीर यह है कि दो सीट वो जदयू को दे दिए जा रहे हैं और 10 से 10 सीट के आसपास 11 सीट, 9 सीट, 10 सीट, 11 सीट आजसू को देने जा रहे हैं और बाकी सीट बीजेपी अपने लड़ेगी। चिराग पासवान को वो सीट संभवतः नहीं देने वाले हैं, यह बिल्कुल स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो वहां साफ है बंटवारा सीटों का, यहां अभी सीटों का बंटवारा क्लियर नहीं है, उनकी बैठक होगी, कब होगी, उसमें क्या निर्णय होता है, लेकिन इसमें कहीं टूट फूट नहीं होगी, बिल्कुल मुकम्मल समझौता होगा, दोनों तरफ मुकम्मल गठबंधन होंगे,
और बहुत कांटे की लड़ाई होगी। एक एक वोट के लिए, एक एक मुद्दे पर, एक एक बिंदु पर दोनों तरफ के लोग लड़ेंगे, जूझेंगे। क्योंकि इस बार का चुनाव, झारखंड का चुनाव जो होगा, अब तक ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा नगमा जी, जो इस बार चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कभी यहाँ नहीं देखा है झारखंड में कि ऐसा चुनाव होगा जैसा चुनाव मैंने अपने जीवन में यहाँ पत्रकारिता करते हुए, मैं यहाँ झारखंड में 85 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 85 में केवल झारखंड से। तो इतना बड़ा चुनाव, इतनी गहरी तैयारियां, इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की स्थिति जो है, मैंने कभी नहीं देखी थी। पूरी तैयारी है, तो पूरी तैयारी से उतर रही है यहाँ पर भाजपा, माइक्रो मैनेजमेंट भी हो रहा है। और तो महाराष्ट्र की तो फिर क्या ही बात पूछे, वहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी। अमिताभ जी, इस बार के चुनाव में इस समय आपका क्या लगता है कि पलड़ा किसका भारी है, मुद्दे क्या इस बार रहेंगे वहाँ पे महाराष्ट्र में? देखिए, लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो उसमें 153 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आगे थी और 126 पर एनडीए आगे थी, महायुति। हालांकि लोकसभा के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ पर। जैसे विदर्भ अगर क्षेत्र की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर और डिस्ट्रेस मुद्दा है। अगर मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करी जाए तो वहां पर मराठा एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां पर कंसोलिडेशन मराठा समाज का अपोजिशन के फेवर में हो सकता है, वहीं पर काउंटर कंसोलिडेशन ओबीसी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओबीसी समाज जो है वो मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के खिलाफ या ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करने के खिलाफ वहां पर एक तरह से प्रदर्शन कर रहा है। मुंबई, थाने, कोंकण जो रीजन है, इसमें लार्जली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट मुद्दे हैं। तो ये सब मिला जुला के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं, जहां पर महाविकास अघाड़ी जो है वो एक बिट्रेयल का जो एक नैरेटिव था उनका, कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ये इन दोनों ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गद्दारी करी है, ये उनका एक नैरेटिव रहने वाला है कि ये जो सरकार है इलीगल है, सॉर्ट ऑफ जोड़ तोड़ पॉलिटिक्स से बनाई गई है, उसको ही वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो मोमेंटम उनको एक मिला था लोकसभा चुनाव के बाद, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने सीज नहीं किया, नहीं तो अभी तक उनका सीट शेयरिंग अरेंजमेंट, कैंडिडेट्स वगैरह ये सब फाइनल हो जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुए। देखिए, दो टीमें हैं अगर आईपीएल के हिसाब से देखेंगे तो, एक महाविकास अघाड़ी है और एक महायुति है। महायुति में कैप्टन होना चाहिए बीजेपी को, लेकिन कैप्टनशिप का जो कैप है उन्होंने दे दिया है एकनाथ शिंदे को, और महाविकास अघाड़ी में कैप्टन कौन है इसके ऊपर ही अभी झगड़ा चल रहा है, फाइट चल रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे झारखंड में तो इस तरह के कोई भी संशय नहीं है बैजनाथ जी, कैप्टन कौन है दोनों खेमों में ये तय है, इधर जेएमएम में और इधर भाजपा ही होगी। दोनों तरफ ट्राइबल लीडर उन्होंने सेट कर रखा है, इधर बाबूलाल मरांडी है, उधर हेमंत सोरेन जी है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ कैप्टन बिल्कुल तैयार है, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन ये दोनों दोनों तरफ की टीमों को लीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन जो बैकअप है वो सबसे ज्यादा, अभी बैकअप जो बाहर का बैकअप जितना है वो ज्यादा एनडीए की तरफ है। दो दो मुख्यमंत्री, एक मतलब पूर्व मुख्यमंत्री है जो केंद्रीय मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा, लगातार कैंप कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार कैंप कर रहे हैं। और बाकी जो अभी आपने कहा कि 5-6 पूर्व, तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें बहुत सारे, तो जैसे अर्जुन मुंडा जी ही हैं, केंद्र मंत्री थे, दो दो तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अपना चुनाव बुरी तरह हार गए थे, डेढ़ ओर से ट्राइबल सीट पर हार गए अर्जुन मुंडा। अभी बाबूलाल मरांडी जी भी ट्राइबल लीडर जरूर हैं, लेकिन अभी ये सवाल संशय बना हुआ है कि क्या वो ट्राइबल सीट से लड़ने का साहस दिखाएंगे या जनरल सीट से लड़के पहुंचेंगे, तो बहुत सी बातें हैं। तो जी, कई मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, लेकिन दोनों खेमों के जो कैप्टन हैं वो तय हैं, हेमंत सोरेन इधर हैं, और एक तरह से यहाँ पर साफ है स्थिति जो है। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बैजनाथ जी और अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आगे आने वाले अब कम ही दिन बचे हुए हैं, तो इस पर बातचीत होती रहेगी चुनावों पर। इस वक्त पांच की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं।
राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने आज उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो गया है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते कल 1 जनवरी तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और इसके लिए दिल्ली में ग्रैप वन की पाबंदियां जो हैं वो लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही कई तरह की पाबंदियां शुरू हो गई हैं। ग्रैप वन यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तब लागू किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार हो जाता है। ग्रैप वन लागू होने के बाद होटलों और रेस्तरा में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाती है। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखे के उत्पादन भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। लेकिन मेरी दिल्ली के लोगों से भी अपील है, देखिए पॉल्यूशन सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती है। जब तक दिल्ली के लोग साथ नहीं आते हैं तब तक हम दिल्ली में ये बढ़ता हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मेरी दिल्ली के भी सभी लोगों से अपील है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कारपूल का यूज करिए। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं, क्योंकि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। और ये इंश्योर करें कि कहीं पर भी अपना CND वेस्ट ना डालें, कहीं पर भी कूड़ा ना जलाएं, और कहीं पर भी ऐसी आप ऐसी पोल्यूटिंग एक्टिविटी देखें तो हमारी जो ग्रीन दिल्ली ऐप है उस पर रिपोर्ट करें कि हम उस पर तुरंत क्लैंप डाउन कर सकें। नवरात्रि और फिर दशहरे का त्यौहार खत्म होने के साथ ही दिल्ली के अंदर मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई है और उसकी वजह से अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है और अब इतना बढ़ गया है कि यहाँ प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी में आ गया है और इसी की वजह से आने वाले समय में भी अभी ये माना जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी के अंदर ही रहेगा। पुअर का मतलब ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर पहुंच गया है और अभी आने वाले कुछ दिनों में यही स्थिति बने रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि जो दिल्ली NCR में प्रदूषण पर कार्रवाई करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, एक कमीशन बनाया गया है, उसने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का स्टेज वन लागू कर दिया है। उसके तहत ये हर साल ही होता है, जैसे ही दिल्ली के अंदर NCR के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो हर साल ही ये ग्रैप लागू होता है। तो इसका स्टेज वन लागू कर दिया गया है, 15 अक्टूबर यानी कि मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू हो गया है। ये केवल स्टेज वन है, जैसे जैसे अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, ये हर साल की कहानी होती है, क्योंकि मौसम ही इस तरह का हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो प्रदूषण जो है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा उसी हिसाब से दिल्ली के अंदर और पाबंदियाँ आगे लागू होंगी। उम्मीद ये करनी चाहिए कि मौसम जो है थोड़ा अगर बरसात हो जाए तो थोड़ा सा खुल जाता है तो उस वजह से जो पाबंदियाँ हैं वो और आगे नहीं लगती हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल स्टेज वन ग्रैप की लागू हो गई है तो ये पाबंदियां तो अभी रहेंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। इस्लामाबाद में SCO की बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हैं। ये सवाल उठ रहा है कि क्या वहां पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी, तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने इससे इनकार किया है। SCO की बैठक के लिए वहां पहुंचे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह और ये इस वक्त पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से NDTV की बातचीत भी हुई है, जिसमें ये खबर है कि विपक्षीय बातचीत से पहले ही इनकार हो चुका है। भारत और पाकिस्तान में SCO बैठक के बीच कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। उमा शंकर सिंह ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच से बात की है। उन्होंने भी कहा है कि ये एक बहुपक्षीय मंच है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है और बाइलैटरल डायलॉग्स एजेंडे पे नहीं है। एस
एससीओ की ये बैठक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका है और इस तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस मल्टीलेटरल बैठक को यहाँ आयोजित उसने किया है, बड़े पैमाने पे आयोजन किया गया। आपका तो सबसे पहले स्वागत है कि आपने एनडीटीवी इंडिया से बात करना मुनासिब समझा। हमारे साथ हैं पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच, अगर मैंने नाम सही बोला है तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कितना आपको एक उम्मीद है इस बैठक से, खासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान की माली हालत को लेकर तमाम जो बातें होती है और एक ऐसा फोरम है जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर तमाम जो मुल्क है वो बात करते हैं, तो पाकिस्तान की उम्मीद क्या है इस बैठक से? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एससीओ की सेकंड हाईएस्ट फोरम है, जिसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इकोनॉमिक मैटर्स पर फोकस करेगी, ट्रेड पर होगा, क्लाइमेट चेंज पर होगा, और ये एक मौका है जहाँ पर एससीओ के ममालिक इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर जो हमारे कलेक्टिव चैलेंजेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के मसाइल हैं, जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुई हुई हैं उसकी वजह से जो हम पर इम्पेक्ट आ रहा है, उस पर मिलकर कोई लाया अमल तैयार करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे एक विजन हाउ ऑल ऑफ अस कैन डील विद दिस चैलेंज जो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। जी, एक मौका तो ये है मल्टीलेटरल बातचीत का, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है और 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, तो इस मौके को इस तौर पे भी देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो जमी बर्फ है वो कहीं थोड़ी सी पिघले। हालांकि आपने आपका बयान भी सुना है जिसमें आपने कहा है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, भारत की तरफ से भी बात साफ की गई है, लेकिन कहीं कोई उम्मीद बनती है कि एक छोटी सी कोई शुरुआत अनौपचारिक तौर पर ही सही इस मौके के इस्तेमाल के जरिए किया जाए। जी, जिस आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बायलैटरल इश्यूज एजेंडा पे नहीं हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग भी प्लान्ड नहीं है। उसके अलावा हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करते हैं क्योंकि वो आए हैं पाकिस्तान और एससीओ में शिरकत कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल इसी का सप्लीमेंट्री है कि हमने ये भी देखा है कि एससीओ की जो पीछे की कई सारी बैठकें हुई है उसमें भारत ने ऑनलाइन शिरकत की है, वर्चुअली शिरकत की है, लेकिन विदेश मंत्री का, भारत के विदेश मंत्री का चल कर यहाँ आना, आप इसमें कुछ पॉजिटिविटी देखती हैं? जी, एससीओ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लोग और जो मुल्क यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है कि एससीओ कितनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस सिलसिले में हम वेलकम करते हैं जो भी यहाँ पर लीडर्स आए, इंक्लूडिंग द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो यहाँ आए हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। तो मुमताज़ ज़हरा बलोच इस मुद्दे पर कोई द्विपक्षीय बातचीत जो है लैंड नहीं है और